अभी इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा, 4e^3x + 1 dx है, ठीक है। तो हमें ये फार्मूला ये जानना होगा कि e^ax का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो e^ax और जो भी x का कोफिशियंट होगा बेटा अपॉन में आएगा, तो हमें ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। ये फार्मूला हमें यूज करना है e^ax / a + c, ठीक है। तो चलिए बेटा अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा देखो बेटा, 4e^3x (dx) + 1 (dx), ठीक है। हमने दोनों टर्म को क्या किया बेटा, सेपरेट ले लिया, इसको भी अलग dx से मल्टीप्लाई किया और 1 को भी dx के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब हमारा क्या आंसर आएगा बेटा, 4 कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया, तो 4e^3x (dx) और 1 कांस्टेंट है, इसको भी हमने क्या किया बेटा, बाहर भी ले लिया। तो यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4e^3x जो भी x के कोफिशियंट है अपॉन में आएगा, x के साथ क्या है बेटा 3 है, तो x के साथ 3 हमने जो भी है x के साथ जो भी होगा उसको नीचे ले लेना है, ठीक है। 1 तो आइजे टीजे, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x होता है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है बेटा। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं,